नहीं चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। जिस अब मेरा मुंह मत खुलवाना। जब राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री के लिए हिंदुस्तान मणिपुर हिंदुस्तान का भाग नहीं, जी के सपने को एक विधान एक प्रधान और एक निशान को साबित किया हो, मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को सभापति महोदय कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है हमारी नहीं। हमारी कोशिश रहती है कि इस संसद में कभी भी व्यक्तिगत आशिक हम एक दूसरे के साथ सहमत ना हो, हम एक एक दूसरे की नीतियों पर हमारी नियत पर कटाक्ष जरूर करें पर व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं होना चाहिए। और जो आरोप इस हाउस में किया गया कल सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ। जब राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री के लिए हिंदुस्तान मणिपुर हिंदुस्तान का भाग नहीं, मैं बताना चाहता हूं आपको सभापति महोदय कि जिस प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्य को विश्व के साथ जोड़ा है, जिस प्रधानमंत्री का उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दिल का रिश्ता है, जिस प्रधानमंत्री ने भारत के दुश्मनों को उत्तर पूर्वी राज्य से खदेड़ खदेड़ कर बाहर कर दिया हो, जिस प्रधानमंत्री के रोम रोम में भारत माता बसती हो, जिस प्रधानमंत्री ने भारत कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग बनाने के लिए अनुच्छेद 370 रद्द किया हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को एक विधान एक प्रधान और एक निशान को साबित किया हो, मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को सभापति महोदय कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है हमारी नहीं। हमारे सभापति महोदय बैठो 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 आराम से बैठो, आपने ही चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। जिस अब मेरा मुंह मत खुलवाना। सभापति महोदय, जिस अविश्वास प्रस्ताव को ये लेके आए इसका सत्य देश की जनता के समक्ष होनी चाहिए। जिस तरह से एक एक वर्ग का विश्वास तोड़ा गया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक एक वर्ग का अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित किया है, वो सत्य आज इस सदन के द्वारा देश की जनता के समक्ष जानी चाहिए। किसान सभापति महोदय इस देश की रीढ़ की हड्डी, 60% आबादी हमारी कृषि प्रधान राष्ट्र है, लेकिन अगर किसान का पीठ तोड़ने वाला कोई कालखंड रहा तो 2014 के पहले रहा। आज हमारा किसान को समर्थन मूल्य पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, उसकी खरीदगी पर्याप्त मात्रा में हो रही है। आज हमारे किसान कितने उत्तेजित हो रहे हैं। सभापति महोदय, खुजली बहुत आती है। आज हमारे किसान को सभापति महोदय धान की खरीदी में 90% वृद्धि हुई है, गेहूं की खरीदी में 75% वृद्धि हुई है। नरेंद्र